ये पानी कहाँ से लगा है? इधर आओ, इस साइड इधर आओ। बड़ी है आपको, आपके पापा के हैं ना इसलिए। चलो कुरान इधर उतार। देखो, अस्सलाम वालेकुम करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो व्लॉग, आज का जो व्लॉग है उसका आगाज़ करने से पहले तो मैं कल का जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है उमरा हमने अदा किया है उसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल जो है वो शेयर करना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग यहाँ पर पहुँचे और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो है उमरा वो हमने अदा किया। लेकिन उस दौरान हमने बहुत ज़्यादा वीडियो पे तवज्जो नहीं दी, क्योंकि एक तो जो है माशाल्लाह रश जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा था, और दूसरे नंबर पर हमारी कोशिश थी कि हम जो है अपने बच्चों के साथ अपना जो है उमरा अदा कर लें। क्योंकि हम जिस काम के लिए आए हैं, जिस फ़राइज़ की अदायगी के लिए आए हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा अहम था, ना कि हम लोग जो है ना ज़्यादा जो है वीडियो बनाते। क्योंकि तारिक साहब जो है उन्होंने मोहम्मद सुबान का उठाया हुआ था, और फजर को कुछ टाइम मैं उठाती थी और कुछ टाइम जो है अम्मी जान उठाती थी। तो इसलिए इसी तरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा बहुत ही अच्छी तरीके से जो है अदा हुआ है। तो मेरे ख्याल में सबके उम्रे जो है वो इसी तरह ही अदा होती होंगे, लेकिन हम लोग कहते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही जो है हमारा जो है सारा उम्रे का जो तरीक़ाकार था सब कुछ जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो है उम्रा अदा हुआ है। क्योंकि एक तो हमें गाइड करने वाले जो हमारे मुफ्ती साहब हैं, तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। तो थोड़ी बहुत मैंने उसमें से क्लिप्स लिए हैं, लेकिन वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैंने कहा यहाँ पर बता दूँ कि मेरी काफ़ी सारी फैमिली जो है वो बस इसी आस में बैठी है कि कब हमें जो है रोज़े की हाज़िरी नसीब हो और हम लोग देखें। तो इंशाल्लाह वो कल की हमारी जो वीडियो है हमने बनाई है कुछ थोड़ी थोड़ी क्लिप्स, वो भी आप सब के लिए, कि ताकि हमारे साथ साथ आप लोग भी रोज़े मुबारक की ज़ियारत कर लें। तो बाकी आज जी दूसरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हम लोग जा रहे हैं। तो रात को तकरीबन जो है हमें 1 बज गया था, और 1 बजे के बाद हम लोग उमरा अदा करके वापस आए थे होटल में। और फिर जो है रात को ज़ाहरी बात है रेस्ट की बस 1-2 घंटे। बहुत जल्दी अम्मी जान और मैं उठ गए थे, और फिर से हमने जो है नमाज़, फजर की नमाज़ की तैयारियां शुरू कर दी, और नमाज़ अदा की, कुरान पाक पढ़ा, और अभी फिर से अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयारी कर ली है। बच्चे जो हैं वो भी तैयार हो गए, और फजर ने देख लें मेरे कहने से पहले अपना काम कर लिया, और कार्ड जो है उसको गले में डाल लिया। अभी मोहम्मद सुबहान जो है ना उसके भी डाल लेते हैं गले में कार्ड, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, हो सकता है। वैसे तो बच्चे गुम होते नहीं, क्योंकि मैंने और तारिक साहब ने इनको सारा जो है उमरा वो कंधों पे बिठा के करवाया है। तो जब हम लोग सफ़ा मरवा के चक्कर लगा रहे थे, तो उस टाइम जो है मैं थोड़ा थक गई थी, फिर 2 दफ़ा मैं बीच में ना बैठ गई हूँ मोहम्मद सुबान को लेकर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर हिम्मत अल्लाह पाक देता था, और फिर मैं इसको ना इधर कंधों पर इसको मैंने बिठा लिया, तो फिर हम लोग जो है ना चलना शुरू कर देते थे। तो बाकी जी थोड़ी बहुत हमारी थकावट थी, क्योंकि हम लोग 2 दिन से सोए भी नहीं थे, तो अभी हम लोग बिल्कुल थकावट और इन चीज़ों से वो सब कुछ जो है ना समझ लें ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल में यहाँ पे ना इतनी थकावट नहीं होती। मैं अम्मी जान से कह रही थी कि अगर हम लोग घर भी होते ना, तो हमने बस कहना था कि हम लोग तो इतने ज़्यादा थक गए हैं, हम ज़्यादा देर सोएँ। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं थी, हम लोग 1 बजे आए और 2-3 बजे हम लोग फिर उठ गए थे, बस 2 घंटे ही हमने। जी बेटा इधर लाओ, इधर लाओ अभी जी मोहम्मद सुबान जो है ना उसको भी डाल देते हैं गले में। ये कैसे आपने किया बेटा, इधर लाओ, ये लो, ये पहन लो, ये पहन लो। तो मोहम्मद सुबान जी इस तरह से, मोहम्मद सुबान जो है ना उसकी टिंड हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो जब इनकी जो है ये टिंड करवाए थे, उस टाइम भी हमने नहीं दिखाया, क्योंकि तारिक साहब और मोहम्मद सुबहान ही गए थे, मैं नहीं गई थी। बाकी अभी फ़िलहाल मोहम्मद सुबहान को देख लेते हैं कि वो क्या चाहता है और क्या लेना चाहता है, तो इसको जो है ना थोड़ा सा देख लेते हैं, और फिर हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह आज। तो जी तारिक साहब जो है ना उनको भी मैंने दिखाई दिया, पहले वो जो है थोड़े बहुत उनके सर पर गंजे था, थोड़े बहुत गंजे थे, लेकिन आज फुल एंड फाइनल मैंने कहा चलें एक ही बार दिखाएँगे जब अच्छे से गंजा होगा। तो मोहम्मद सुबान भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और तारिक साहब भी अच्छे प्यारे लग रहे हैं, ये नहीं कि बुरे लग रहे हैं। तो माशाल्लाह
तारिक साहब जो है ना, उन्होंने एहराम बांध लिया, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आज हम लोग फिर से जाएं खाना काबा की ज़ियारत फिर से करें दिल खोल के, क्योंकि कल तो काफ़ी ज़्यादा रश भी था, तो इसीलिए उन्होंने एहराम बांध लिया, क्योंकि एहराम के बग़ैर नीचे वाले हिस्सा जो है वहाँ पे नहीं जाने देते। तो इंशाल्लाह जी, अभी मोहम्मद सुबान जो है ना, उसको भी एहराम बना लेंगे, हो सकता है कि वो छोटे इतने बच्चे को भी ना जाने दें। तो हमारी ख्वाहिश है कि हम आज जुहर की नमाज कर लें। आ रही है कि आप जो है हमें ज़ियारत करवाएं लाजमी। हाँ जी, तो अभी हमजा स्पेशल सबको ज़ियारत करवाते हैं। हाँ जी, और मगर जुहर की नमाज भी अदा कर लेंगे इंशाल्लाह, असर की भी ठीक हो गया जी, ईशा की भी, फिर वापस आएंगे। और इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम कल दूसरा उमरा करें, इरादा रखते हैं, बाकी होना तो वही है जो अल्लाह पाक चाहते हैं। चले अभी ठीक हो, कार पहन लो, बच्चों को पहनाओ। हाँ जी, वो बच्चों को पहना लेती हूँ, मैंने पहन लिया। ठीक हो जी। इधर मोहम्मद सुबान जो है ना, वो फिर है, तो इसने एहराम नहीं बांधा, कहते मैंने ना कपड़े पहने, इसलिए फिर मैंने इसको कपड़े पहना दिए। अभी बस कर, चलो नानू कहाँ है, चली गए, चलो नीचे चले, कहाँ पे बैठी है, चले। मोहम्मद सुबान बोल रहा है कि इधर नानो जान जो है ना वो बैठी हुई, अम्मी और फजर जो है वो यहाँ पे बैठी हुई। तो अभी हमने जाना है जी इस लिफ्ट से नीचे, अभी तारिक साहब आते हैं तो सभी हम इसमें जाएंगे और फिर नीचे वाले फ्लोर पर, क्योंकि ये तो काफ़ी ऊंचाई पे है ना। अम्मी जी आ जाओ, आ जाओ मोहम्मद सुबान। तो ये शरारती बच्चा, इसका ये काम है कि ये दूसरों के दरवाजे खटखटाता रहता है, वो खुलना ही नहीं है, हमारा नहीं है, बुआ नहीं खुलता पे, पंजाबी में बोल रहे। चलो आज आज हम लोग जा रहे हैं, इसका यही इलाज है, वरना इसने नहीं आना। आज आज चलो बेटा, चलें जी। तो सभी अब यहाँ पे लिफ्ट में लोग जो है ना खड़े होने लगे, अम्मी जान, मोहम्मद सुबान, फजर खान, इधर ये बंद होगी, नहीं थोड़ा सा झटका लगेगा। अच्छा एक मिनट भी नहीं लगता ना, सेकंड लगते, ये सेकंड। चलें जी, ये खुल गया और हम लोग नीचे आ गए। चलो जी, चलो जी। सुबह सुबह अभी खाना पीना नहीं है, सुबह फजर जैसे ही उठती है इसकी हाथ होता है इधर शॉप पे। आज धूप जो है वो कड़क की है, बहुत ज्यादा धूप, गरम हवा देखे। आज मोहम्मद सुबान जो है उसने कपड़े पहने हुए थे, इसे फिर रिलैक्स होके चलेगा ही। हाँ जी, धूप निकलती आज है भी काफी ज्यादा धूप ने। तो अभी जी यहाँ से हमारा सफर जो है वो शुरू होता है, तो बहुत ज्यादा लंबा सफर नहीं है, पांच कितने तारीख साहब कितने है वो फुट, मुझे पता नहीं, असल में मैं कुछ गलत ही बता देती हूँ, 500 फुट। तो अभी जी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे क्लॉक टावर के पास, वैसे तो मैंने कल भी दिखाया था, लेकिन उस टाइम मेरी ज़्यादातर तवज्जो जी थी उमरा की तरफ, के हमारा उमरा जो है वो खुशसलूबी से हो जाए अच्छे तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। लेकिन आज गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा है, उनसे एक तो गलती भी हो गई है कि हमने अपनी पानी वाली बोतल जो है वो नहीं उठाई। बच्चे असल में ना कोई इधर कहता ये चीज़ करो, ये करो, वो करो, तो उसमें ना वो मैं नहीं उठा सकी। चलें खैर, तो अभी जो है, तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है हरम पाक में दाखिल हो रहे हैं, माशाल्लाह जी, रश जो है वो आज भी वैसे ही है। तारिक साहब बोल रहे थे कि आज रश कम होगा, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ सारा साल इसी तरह रश लगा रहता है लोगों का ना। एक मिनट।
अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का टाइम हो चुका है और अभी सबसे पहले हम पढ़ते हैं नमाज और उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह तारिक साहब ने निशानी बता दी कि सब ने इस जगह पे इकट्ठे हो जाना है। अम्मी जान और मैं इधर नमाज अदा करेंगे और तारिक साहब मोहम्मद सुबान उस साइड पे। जहर की नमाज का टाइम तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहर की नमाज जो है वो यहाँ पर अदा कर ली और साथ में कुरान पाक भी पढ़ लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि तारिक साहब जो है ना उन्होंने भी नमाज़ पढ़ ली है तो उन्होंने हमें बुलाया कि अभी हम लोग चलते हैं खाना काबा के पास। अभी जी यहाँ से जो है ना हम पेट भर के पी रहे हैं आब जमज़म। फजर जो है वो दे रही है अपने नानों को भी और साथ में खुद भी पी रहे हैं। तारिक साहब ने पी लिए तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मत्ता सहन की तरह से होते हुए आ चुके हैं खाना काबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए अल्लाह तो गफूर रहीम है, तो कुल्ले शैन कदीर है और हम तेरे गुनाहगार बंदे। ए अल्लाह तेरी गुनहगार बंदी अपने गुनाहों की माफ़ी चाहती है। या अल्लाह हमसे जो गुनाह हुए हमें माफ़ फरमा और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में गुनाह ना करने की तौफीक अता। या अल्लाह तेरा लाख लाख और करोड़ करोड़ शुक्र है, तूने हमें हमारी औकात से ज़्यादा अता किया। या अल्लाह तूने हमें अपने दर की ज़ियारत नसीब फरमाई। या अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे, या अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा। ऐ अल्लाह तमाम मोमिन मुसलमान जो इस वक्त परेशान है सबकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह खसूसन हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई जो इस वक्त परेशानी में है और मुसीबत के आलम में है, या अल्लाह उनकी सब परेशानियाँ और मुसीबतें दूर फरमा। आमीन। या अल्लाह तमाम मेरी फैमिली जितने भी लोग हमें देखते हैं उन सब की जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर फरमा। जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। जो भी औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो हमें देश परदेश से जो देखते हैं या नहीं देखते हैं हर मोमिन मुसलमान जो इस वक्त परेशान है सबकी परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह तू गफूर रहीम है, तू कुल्ले शैन कदीर है। या अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे। या अल्लाह हम सब की मुश्किलें आसान फरमा, सब की परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह हर बे औलाद को औलाद अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह सब की मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह अल्लाह सब बहन भाई सब मुसलमानों को अपने दर की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह तू गफूर रहीम है, हमें बख्श दे। या अल्लाह हमसे जो गुनाह सरजद हुए हमें माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें बख्श दे। या अल्लाह तू गफूर रहीम है, हमारी मदद। या अल्लाह इस टाइम जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सब की मुश्किलें आसान फरमा, सब की जो भी परेशानियाँ दुख तकलीफें दूर फरमा दे। या अल्लाह मैं तेरी गुनाहगार बंदियों मेरी दुआ कबूल और मंजूर फरमा ले। या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत
सब मुश्किलों और परेशानियों से निजात देना मेरे मालिक। या अल्लाह सब के औलाद को फरमा बरदार और नेक बना, या अल्लाह उनके साथ हमारी औलाद को भी फरमा बरदार बनाना। या अल्लाह तू गफूर रहीम, हमारी सब परेशानी आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज का टाइम होने वाला है और सभी नमाजी जो है वो नमाज अदा करने के लिए बैठ चुके हैं। जैसे ही अजान होगी तो उसके बाद जो है नमाज अदा करो। तो इस टाइम अभी काफ़ी रश जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि मगरिब और इशा तक तो रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फजर और उसकी नानो आके खड़ी हो गई क्योंकि हमारी एक निशानी होती है। तारिक साहब ने बोला है कि आपने एक जगह पे खड़ा हो जाना है, गुम नहीं होना। तो अभी जैसे ही तारिक साहब का इंतजार करते हैं, वो आते हैं तो फिर हम लोग निकलेंगे होटल पे। आपको मैंने उठाया हुआ है ना, आपने चलना तो नहीं। अभी जी अलहमदुल्ला असर की नमाज अदा करने के बाद हो रही है।
लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, तो इसलिए फिर अपनी कल से चलते। दोपहर का खाना अभी खाना ना? दोपहर का खाना हमने नहीं खाया क्योंकि हम लोग सुबह से ही निकले थे, चने जो है बच्चों को भी खिलाए थे। जी हम लोग जा रहे थे, मैंने कहा चले मक्का में जो आज मस्जिदुल अहराम है वहाँ का मौसम जो है वो भी आपके साथ शेयर करते चलते हैं। आज माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और साथ में और मैं सोच रही थी पंखे तारिक साहब ने कहा हाँ ये पंखे ये कुदरती अल्लाह पाक की हवा है जो इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी अल्लाह पाक की जो कुदरती होती है। माशाल्लाह बादल जो बहुत ही हल्के हल्के आए हुए और आज बारिश वाला मौसम जो है वो बना हुआ है। मैंने ये खरीदा है बीज है, इसका जुआर है। कबूतरों अम्मी जान ने दाने लिए हैं और मैंने लिए हैं ये। अम्मी इसमें से जौ निकालने की कोशिश करें, इसमें इनमें जौ है नहीं। इनका कलर भी थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा तेज़ है, वैसे हरे होते हैं ये, थोड़ा सा कलर इसका नहीं होता ना तेज, वैसे ये उधर से आते हैं। तो इसमें आप भी रहा।